subscribe to my channel and hit the notification bell next to it to make sure you never miss updates from this. Hi guys, welcome back to my channel Kaushiki Hair and आज मैं लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने wedding दुपट्टे को या फिर किसी भी heavy दुपट्टे को आप किस तरीके से reuse कर सकते हैं. So मैंने पिछले कुछ videos में मैंने आपको show किया था कि आप wedding लहंगा को किस तरीके से reuse कर सकते हैं. So आज मैं wedding दुपट्टा के बारे में बात करने वाली हूँ. So yes, देखते रहिए. और आगे बढ़ने से पहले अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्टली मैं अपने दुपट्टे को वेयर कर रही हूँ एज एन हाफ एंड हाफ साड़ी. यहाँ मैंने ब्लैक कलर का साड़ी चूज़ किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा कंट्रास्टिंग इफेक्ट दे रहा है. एंड इसके साथ मैंने पेयर किया है एक ब्लैक क्रॉप टॉप. एंड मैंने पहले साड़ी को जैसे लेती हूँ वैसे लिया है. एंड जितनी बची हुई साड़ी थी उसका सबका मैंने प्लेट कर लिया है. दुपट्टे के एक एंड को लेके उससे सेफ्टी पिन की हद से सिक्योर किया है. एंड बाकी इसे मैंने एज ए दुपट्टा वेयर किया है जो बहुत ही प्यारा हाफ एंड हाफ साड़ी का लुक दे रहा है मुझे. सो नेक्स्ट मैं अपने दुपट्टे को एज अ शर्ग यूज़ कर रही हूँ. एंड शर्ग यूज़ करने के लिए मैंने अपने दुपट्टे को दो हाफ में डिवाइड किया है. एंड एंड पकड़ के मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रही हूँ. एंड उसके बाद उस दोनों पॉइंट को जो लास्ट वाला एंड आता है उसको मैं वहाँ से पिन कर लूँगी. एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्लीव बन गया है ये. सो आगे का तो थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है, उसको छोड़ के मैं दोनों साइड पे पिन कर लूँगी अच्छे से. मैं यहाँ कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ. एंड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा शर्ग लाइक इफेक्ट मिल गया है मुझे. मैं इसे वेयर करूँगी एंड इसके साथ जो मैंने जो कपड़ा छोड़ा था मैंने आगे उससे मैं पिन कर लूँगी आगे नेक की तरफ. बचा हुआ कपड़े को मैं अंदर की तरफ टक कर लूँगी, एक बेल्ट की हेल्प से इसे सिक्योर करूँगी. एंड ये मुझे बहुत ही प्यारा लुक देगा शर्ग. एंड इसको मैंने स्टाइल किया है एक ब्लैक टॉप एंड ब्लैक स्कर्ट के साथ. आप चाहें तो इस तरह के कोई भी कंट्रास्टिंग कलर के स्कर्ट टॉप के साथ इसे पेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने क्रिएट किया है एक इंडो फ्यूजन लुक एंड दिस लुक इज़ माय फेवरेट. यहाँ मैंने प्लाजो के साथ टॉप वेयर किया है एंड मैंने अपने वेडिंग दुपट्टे को साइड से लिया है. एंड किसी भी प्लेन दुपट्टे को या फुलकारी दुपट्टा मैंने यहाँ यूज़ किया है. आप किसी भी दुपट्टे को साइड टक कर सकते हैं छोटे छोटे प्लेट्स बना के. एंड ये बहुत ही प्यारा लुक देगा आपको, बहुत ही न्यू लुक देगा. तो आप इस तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हैं. मैंने नेक्स्ट स्टाइल के लिए यहाँ मैंने एक बेज कलर का गाउन वेयर किया है. उसके साथ मैंने दुपट्टा वेयर किया हुआ है. अगर आपके पास बेज कलर का स्ट्रेट कुर्ता है या अनारकली है या फिर किसी भी लाइट कलर के कुर्ता है या फिर कुछ भी है गाउन वगैरह है, आप उसके साथ इसे वेयर कर सकते हैं वेडिंग्स वगैरह में. बिकॉज लाइट कलर के साथ ही आपका ये ब्यूटीफुल ब्राइडल दुपट्टा मैच करेगा. बिकॉज आप हेवी के साथ हेवी लेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. सो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्टली मैंने यहाँ एक गोल्डन कलर की स्कर्ट एंड ब्लाउज के साथ, लॉन्ग ब्लाउज के साथ मैंने यहाँ पे एक मैंने दुपट्टा कैरी किया है. आप इस तरीके के लाइट कलर्ड स्कर्ट टॉप या फिर किसी भी लहंगा जो बिल्कुल लाइट कलर का है उसके साथ ही दुपट्टा कैरी कर सकते हैं. बिल्कुल आपके लुक को इन्हांस कर देगा ये, बहुत ही अच्छा न्यू लुक दे देगा आपको. तो आप इस तरीके से अपने वेडिंग दुपट्टा को न्यू स्टाइल में कैरी कर सकते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए. टिल देन बाय.